बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज़ मोहम्मद राशिद और हम आपको मॉडर्न क्रॉप फार्मिंग में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम एक डेरे पे मौजूद हैं और जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा सोलर के ऊपर बात करूँगा, ताकि जो ना जो हमारे किसान भाई इसके बारे में मालूमात चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। और हमारे मुल्क के हालात भी आप देख रहे हैं, डे बाई डे जो है ना आपकी बिजली भी महंगी हो रही है। आज भी अगर आप देखें तो 5 रुपये कुछ पैसे जो है ना महंगी हुई है पर यूनिट। तो उसी हिसाब से अगर जो हमारे किसान भाई हैं वो अगर सोलर का इंतखाब करें तो वो बेहतर होगा। इसके बारे में आज मैं बात करूंगा कि कौन से हमें जो ना प्लेट्स का इंतखाब करना चाहिए, 3-4 किस्म की हैं और इसको लेने का क्या तरीका है, इसकी मतलब जो ओरिजिनल प्लेट होती है उसका क्या तरीका है, वो आज मैं बताऊंगा। और यहाँ पे हमारे चौधरी इब्राहिम साहब हैं, तकरीबन इनके 3-1 मुरब्बे हैं और उन्होंने तकरीबन प्लेट्स को 40-1 प्लेट्स लगाई हुई हैं। वो ये कहते हैं कि मेरे 3 मुरब्बे जो है ना इससे मैं इनको सैराब करता हूँ और मुझे जो है ना ख़रीदना नहीं पड़ता पानी और मोटर से। और बिजली के बिल पहले कह रहे वो कहते हैं कि बिजली का जो बिल मेरा पर मंथ आता था सीज़न में वो तकरीबन कोई 6-6 लाख 7-7 लाख पर मंथ क्रॉस कर जाता था, जिससे जो है ना वो उनका मुनाफे में कमी आती थी। इसलिए वो कह रहे हैं कि मैंने ये जो यहाँ पैनल ये लगाया सोलर पैनल इसमें मेरा एक दफ़ा तो एक्सपेंस हुआ है, लेकिन ये तकरीबन मेरा 2 साल के अंदर ही 2 से 2.5 साल के अंदर ये मेरा एक्सपेंस पूरा कर देगा। और जो इन्होंने प्लेट ली हुई है ये तकरीबन 30 साल इसकी वारंटी है। ये जेनेटिक टाइप है, एन टाइप होती है, इसमें 2 किस्म के होते हैं एन टाइप और टी टाइप। जो इसमें जो बेहतर है वो है एन टाइप। एक मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, इसका जो एक होता है कोड शीशे के अंदर, वो आप कोड जो है ना उसको स्कैन करेंगे, इसकी वेबसाइट पे जाएंगे सोलर सिस्टम वाले के जाके उसको स्कैन करेंगे, वो स्कैन होगा वहाँ से जो है ना आप चेक कर सकते हैं कि जो है ना इसके ये ओरिजिनल है कि नहीं, वो खुद ब खुद कोड जो है ना स्कैन। और ये आप पानी देख सकते हैं, इस टाइम ज़्यादा सूरज नहीं है, ये पानी अगर आप देखें तो ये पानी बेहतर है। और ये 1 एकड़ जो है ना तकरीबन 4-4.5 घंटे में जो है ना आपकी रकबे को पिला देता है। तो वो चौधरी इब्राहिम साहब का कहना था कि उसी हिसाब से मेरा पानी भी अच्छे तरीके से मैं अपनी ज़मीन को भी लगाता हूँ, उसके अलावा वो इसको मतलब सेल भी करते हैं दूसरी ज़मीन जो साथ फार्मर है वो लेते हैं, उससे जो है ना उसका ये भी फायदा हो रहा है। मतलब वो कह रहा 2.5 से 3 साल में मैं अपनी 40 प्लेट्स का जो है ना खर्चा भी पूरा कर लूँगा, मेरे एक्सपेंस भी निकल जाएंगे और जो है ना मेरा एक सिस्टम भी तैयार हो जाएगा, एक चीज़ भी तैयार हो जाएगी। इसलिए आप कोशिश करें कि इसको सोलर सिस्टम का इंतखाब करें, ताकि ना जो बिजली के बड़े बड़े बिल्स हैं उससे बचा जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा बिल हम हर महीने भरेंगे वो फिर हमारा मुनाफा कम हो जाएगा, क्योंकि वो हमने सारी चीज़ें जो अपनी डाली तो अपनी ज़मीन के ऊपर अपने रकबे अपने एकड़ के ऊपर लोड होती है, जब वो लोड होती है तो फिर हमारा मुनाफा बहुत कम हो जाए। तो कोशिश करें इसका इंतखाब करें, सोलर सिस्टम का लगाएं, ताकि जो है ना हम एक अच्छे मुनाफा कमें और जो जो बिल हैं बड़े बड़े उनसे बचें। थैंक यू।